देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के भीतर ही कोरोना के मामले 150 से बढ़कर 300 के पार चले गए हैं। इस लिहाज से दिल्ली में कोरोना वायरस से मामलों की रफ्तार एक सप्ताह के भीतर ही दोगुना हो गई है। इसी बीच दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना से संक्रमित 325 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात यह रही कि अब तक संक्रमण से कोई भी मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA अगले सप्ताह 20 अप्रैल को एक बेहद अहम बैठक करेगा। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर दोबारा जुर्माना लगाए जाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बेहद अहम बैठक में कोविड की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में आवश्यकता के अनुरूप ही उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि संभवतः इस बैठक में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी गत दिनों ही मास्क की पाबंदी को DDMA के द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य करने का फैसला DDMA की बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही इस बैठक में मास्क के अलावा कुछ अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मॉल और सिनेमा हॉल में सख्ती को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है। वहीं मेट्रो में भी सफर के दौरान मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है। साथ ही दफ्तरों में भी मास्क लगाने को कहा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 2.49% से घटकर 2.39% पर आ गई है। बृहस्पतिवार को कोरोना के 325 नए मामले सामने आए, जबकि इससे पहले बुधवार को 299 संक्रमित मिले थे। बुधवार को 12,022 सैंपल की जांच हुई थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 13,576 सैंपलों की जांच की गई है। आपको बता दें कि कोरोना की पिछली लहरों की तरह ही एक बार फिर स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के संक्रमित होने के मामले भी सामने आने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर आई भी तो भी यह ज्यादा घातक नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस कारण इस बार कोरोना की चौथी लहर घातक नहीं होगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।